जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। हमने अपने चैनल पर कुछ दिनों पहले जालौन नगर क्षेत्र में स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क की दुर्दशा और रखरखाव में लापरवाही की खबर दिखाई थी, जिसे नगरपालिका प्रशासन के अधिकारियों ने संज्ञान में लिया था। और आज जब फिर से हम वहां पर पहुंचे तो नजारा बदला बदला सा नजर आया। दीवारों पर सुंदर और आकर्षक प्रेरक संदेश देती चित्रकला दिखाई दी। यहाँ लोग कसरत करते हुए भी दिखाई दिए। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प चढ़े हुए दिखाई दिए। कुछ दिनों पहले अव्यवस्था और आज सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दिया तो लगा कि जैसे खबर का असर हो रहा है। जालौन से देवेश कुमार, स्वर्णकार की रिपोर्ट। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं आपका अपना देवेश। जालौन नगर में स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसकी हमने कुछ दिनों पहले खबर दिखाई थी कि बदहाल और अव्यवस्थाओं का दौर है, लेकिन आज यहाँ सूरत बदली बदली नजर आ रही है। खबर को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका प्रशासन ने इस पर तत्परता दिखाई है और यहाँ पर अब व्यवस्थाएँ बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही है। बिल्कुल चाक चौबंद, हर चारों तरफ सफाई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आप दीवारों पर जो वॉल पेंटिंग है, ये अलग संदेश देती है, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का, जल संरक्षण का संदेश देती है। ये वॉल पेंटिंग निश्चित तौर पर अपने आप में एक मनमोहक मनलुभावन। और ये वाटरफॉलिंग का ये आप जो प्रोसेस देख रहे हैं, ये देखिए कितना अब सब कुछ कलर्ड होता चला जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अब बदलाव की बयार इस शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोगों को हमने जिम करते हुए देखा, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब खबर दिखाई तब यहाँ सारे उपकरण टूटे हुए पड़े थे, लेकिन आज कुछ सुधार में, हालांकि अभी तक पूरे सही नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुधार है और लोगों को आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करने में भी ये लगा हुआ है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिनकी प्रतिमा जो है प्रतिदिन अब यहाँ पर साफ सफाई भी होने लगी है, माल्यार्पण भी होने लगा है, तो कहीं ना कहीं सुधार की बयार बह रही है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।